हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो है एलईडी बल्ब के ऊपर। तो कैसे एलईडी बल्ब रिपेयर करेंगे और एलईडी बल्ब को कैसे हम चेक करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। मीटर को डीसी 200 की रेंज पे रखेंगे, क्योंकि ये जो बल्ब होते हैं इसमें 60 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट डीसी तक मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जो रेड प्रोब्स हैं तो ये पॉजिटिव वाली सप्लाई में रखेंगे, और ये जो ब्लैक प्रोब्स है उसे नेगेटिव वाली सप्लाई में रखेंगे। तो वोल्टेज करते हैं, तो यहाँ करीब 71 वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो अंदर का इसका ये कंपोनेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो ख़राबी है तो इसमें ये कोई बल्ब फ्यूज हो सकते हैं। हम मीटर की सहायता से भी बल्ब चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो बल्ब जलता है ये बिल्कुल ठीक है, और जो ख़राब बल्ब होगा वो नहीं जलेगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि बल्ब ठीक है या ख़राब है। जो ठीक बल्ब होगा वो जल जाएगा, तो मीटर को कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा। ये देखिए, जो बल्ब ठीक है वो जलेगा, वो ख़राब बल्ब है वो नहीं जलेगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि बल्ब ठीक है या ख़राब है। जो एलईडी बल्ब है वो ख़राब है कि ठीक है। इसमें एक ख़राब बल्ब निकला है तो उसे सोल्डर की सहायता से हम बाहर निकालेंगे, या फिर नोज प्लायर की सहायता से इसे तोड़ भी सकते हैं। सोल्डर की सहायता से ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम जंपर भी डाल सकते हैं, या फिर नया बल्ब लगा सकते हैं। तो नया बल्ब अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम जंपर डालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जंपर डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह साफ करेंगे, और ये जो दोनों लगी हैं इसे हम अच्छी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव के सैंपल है इसे हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये जॉइंट हो गया है। तो अब हम एलईडी बल्ब जो है उसे जलाएंगे, चालू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बल्ब जो है जल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक या दो बल्ब अगर ये फ्यूज हो जाएं तो उसकी जगह पे हम जंपर डाल सकते हैं। दो से ज़्यादा बल्ब अगर फ्यूज हो तो नए बल्ब ही डालना पड़ेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास पुराना एलईडी बल्ब पड़े होते हैं तो उसमें ये जो प्लेट होती है उसे बाहर निकाल के मोमबत्ती की सहायता से कैसे बल्ब निकाल सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये मोमबत्ती हमने जला ली है। तो ऐसे थोड़ी देर किसी चिमटी या नोज प्लायर की सहायता से हम इसे पकड़ेंगे और गर्म करके इन बल्बों को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे गर्म हो रही है प्लेट जो है। इस तरह से हम थोड़ी देर प्लेट को गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी आसानी के साथ ये बल्ब निकल गया।
तो इस तरह से हम बल्ब बाहर निकाल सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ। ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ बल्ब निकल जाते हैं। इस तरह से हम सभी बल्ब बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी सफाई के साथ सभी बल्ब जो है बाहर निकाल लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम ये जो बल्ब है यहाँ लगा सकते हैं मोमबत्ती की सहायता से। तो देखेंगे किस तरह से हम बल्ब को फिक्स कर सकते हैं मोमबत्ती की सहायता से। ठीक है, तो फिर हम मैं आपको बल्ब जो है कैसे फिक्स करेंगे बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। ये जो जॉइंट पहले लगाया था इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे सोल्डर की सहायता से। कनेक्शन को हम बाहर निकालेंगे, ये जो कनेक्शन दिए हैं सप्लाई के। नेट को खोलेंगे और ये जो इसका सर्किट डायग्राम है बाहर निकल जाएगा, सर्किट बोर्ड जो है ये बाहर निकल गया है। फ्रेंड्स बल्ब लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बल्ब में ये निशान है ये पॉजिटिव वाला निशान है जो बड़ा है, और ये एक छोटा सा निशान होता है ये नेगेटिव वाला निशान है प्लस और माइनस। इसी तरह से हमारा जो बोर्ड है उसमें भी इस तरह से निशान बना होगा, सैम्बल बना होगा। ध्यान से देखिए ये छोटा है ये माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखें। उसी तरह से हम बल्ब इसके ऊपर रख के फिट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मोमबत्ती को जला लिए, अब इसके ऊपर हम बोर्ड रखेंगे और थोड़ी देर के लिए हीट करेंगे गर्म करेंगे। उसके ऊपर हम ये जो बल्ब है हम फिक्स कर देंगे। दोस्तों बल्ब इस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से दबा दें, तो बल्ब हमारा लग चुका है। थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, ये देखिए बल्ब जो हमारा लग चुका है। ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया बल्ब जो है, तो अब हम इसमें फिट करके चलाएंगे। इसके दोनों नट जो है हम लगा देंगे। उसके बाद हम
सप्लाई की तारें जो है इसे जॉइंट करेंगे। सब बल्बों को प्लग में लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी बल्ब जो है अच्छी तरह से जल चुके हैं। किस तरह से हमने ये बल्ब मोमबत्ती के साथ फिक्स किया, तो इस तरह से हम बल्ब जो है मोमबत्ती की सहायता से लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब हमने मोमबत्ती की सहायता से लगाया, अच्छी तरह से अब बल्ब जो है जल रहा है। फ्रेंड्स, एक तो ये खराबी थी इसमें, हमने कैसे दूर की, और नंबर दो जो है ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट बोर्ड की, ये देखिए 20 ओम की रेजिस्टेंस है, ये ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो कंपोनेंट्स हैं ये लूज़ हो जाते हैं, तो उसे हम सोल्डिंग करके ठीक कर सकते हैं। ये जो कंपोनेंट सभी सोल्डिंग करके ठीक कर सकते हैं, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने के कारण ये जो कैपेसिटर लगा है, तो ये है 50 वोल्टेज 100 माइक्रोफाइड का, तो कभी कभी ये भी फट जाता है, तो इसे हम रिप्लेस करके ऐसे ही बोर्ड में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अलग अलग कंपनी की एलईडी बल्ब होती है उसमें अलग तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो उसमें डीसी सप्लाई जो निकलती है वो भी अलग वोल्टेज होते हैं, सेम वोल्टेज नहीं होते हैं, तो किसी के वोल्टेज होते हैं 60, किसी में 80, तो जो कोई एलईडी होती है वो 100 वोल्टेज से ज़्यादा चलती है, जैसे 105 वोल्टेज तक चलती है, डीसी वोल्टेज तक चलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।